तो गहलोत कैबिनेट ने ठेका कर्मियों को सौगात दी है। सरकार अब कॉरपोरेशन गठित कर सीधे ठेके पर काम कर कार्मिकों को सर्विस देगी। इस फैसले के बाद ठेका कर्मियों ने गहलोत सरकार का शुक्रिया अदा किया है। लंबे आंदोलन के बाद सरकार के फैसले से खुश ठेका कर्मियों ने एक दूसरे को बधाई दी है। इस सिलसिले में हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल ने ठेका कर्मियों से खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। बहुत ही कुप्रथा थी राजस्थान की, जो सन 1994 से लगातार शोषण कर रही थी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के साथ, जो आज जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में घोषणा दी थी कि मैं ठेका प्रथा को समाप्त करूंगा, और आज अपने उस वादे को पूरा करते हुए उन्होंने इस प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। हमारा मानस वही है कि माननीय मुख्यमंत्री ने जो हमारे को दिया है, हम उनसे अच्छा करके माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे। माननीय मुख्यमंत्री की सोच थी कि उनको सरकार बने तो हम दोबारा ऐसी सरकार बनाएंगे। 156 सीटों का वादा कर रखा है, तो हो सकता है उससे ज्यादा पूरे 12 लाख 15 लाख जो हमारे पास वोटर है, और हम घर घर जाकर यही वादा करेंगे और कहेंगे कि हमें दोबारा कांग्रेस सरकार को लाना है और अपना वचन निभाना है। तो टोंक जिला प्रमुख सरोज बंसल देर रात जनाना अस्पताल निरीक्षण करने पहुंचे। बंसल ने अस्पताल में कॉटेज वार्ड और शिशु वार्ड का जायजा लिया। यहां कॉटेज वार्ड में कई दिनों से बेडशीट नहीं बदली गई, वहीं शिशु वार्ड के मुख्य गेट पर गंदगी का ढेर देखकर जिला प्रमुख ने नाराजगी जताई है। इस दौरान पूर्व जिला परिषद सदस्य नरेश बंसल भी मौजूद रहे। बंसल ने गंदगी और अव्यवस्था को लेकर सरकार पर जम करके निशाना साधा है। व्यवस्थाओं के नाम पे पूरे अस्पताल गंदगी से सटा पड़ा है, चारों तरफ कचरे के ढेर पड़े हैं, और जो मरीज है वो ओवरलोड होके बाहर इसमें सो रहे हैं, और गद्दे बिल्कुल फटे हुए हैं, गद्दों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। 5-5 दिन में बेडशीट बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है। कम से कम जो मरीजों के अटेंडर है मरीज के साथ ही सो रहे हैं। वास्तव में अभी मैंने कहा कि लगाम ही नहीं ना, सुरक्षा गार्ड यहाँ पर लगे हुए हैं। सुरक्षा गार्ड अगर ड्यूटी पे हो, सुरक्षा गार्डों को पूरा पेमेंट किया जा रहा है सरकार की तरफ से, उसके बावजूद यहाँ सुरक्षा गार्ड नहीं है। तो सुरक्षा गार्ड नहीं है तो एक मरीज के साथ 5-5 टेंट आ रहे हैं। कोई जो चोर उचक्के भी आ रहे हैं उनको पता नहीं वो मरीज के साथ है, या कोई उनके जो यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड है उनको इश्यू नहीं किए जा रहे हैं। इसलिए कई तरह की जो मैनेजमेंट की खामी है, ये वास्तव में यहाँ के मैनेजमेंट की खामी है। यहाँ की स्थितियाँ बहुत खराब है। एक तो चीज सफाई नहीं है यहाँ पे, और रही दूसरी चीज बेड पे, एक ही बेड पे दो दो पेशेंट लेटाए जा रहे हैं, और कोई ऐसी मतलब वो नहीं है कि जैसे पर डे होती है, पहले तो होती थी कि पर डे दरिया चेंज होती थी, लेकिन अभी कोई व्यवस्था नहीं है। स्टाफ भी टाइम पे बहुत कम पूछ रहा है। तो जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल स्थगित। 3 अक्टूबर तक हड़ताल को स्थगित करने की घोषणा की गई है। आज राज्य सरकार के साथ संगठन के पदाधिकारी वार्ता करने वाले हैं। डीलर्स कमीशन बढ़ाने सहित 5 प्रमुख मांगों पर वार्ता होगी। तो देखिए, संगठन ने सरकार की तरफ से सकारात्मक रुख के संकेत दिए हैं, और देर रात एसोसिएशन अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भाटी ने ये घोषणा की है। तो वेज की दरों को कम करने की देखिए यहाँ पर मांग की जा रही है। कुल 5 मांगों पर वार्ता हो रही है, और एक बार फिर से वार्ता यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। डीलर्स कमीशन समेत कुल 5 मांगों पर ये वार्ता होगी, और संगठन ने सरकार की ओर से सकारात्मक संदेश दिए हैं। दौसा से बड़ी जानकारी आपको दे दें, नाबालिग के साथ रेप आरोपी ने होटल में इस वारदात को अंजाम दिया है। पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी है, और पुलिस ने अब ये मामला दर्ज कर लिया है, और पुलिस अब कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। ये बड़ी जानकारी दौसा से, जहां पर देखिए नाबालिग के साथ रेप किया गया, उसके बाद से पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, और अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। तो आरोपी ने होटल में ही इस वारदात को अंजाम दिया, और साथ ही साथ पीड़िता को जान से भी मारने की धमकी दी है। तो दौसा से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर नाबालिग के साथ रेप की ये घटना है, और आरोपी ने होटल में ही इस वारदात को अंजाम दिया है, और साथ ही साथ आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई करती हुई नजर आएगी, और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दौसा से ये बड़ी जानकारी, जहां पर नाबालिग के साथ रेप की ये घटना है, और आरोपी ने होटल में ही इस वारदात को अंजाम दिया है, और साथ ही साथ पीड़िता को धमकी भी दी है,
और ये भी कहा है कि उसको जान से मार देगा। अब देखिए इस पूरे मामले में अब पुलिस अपनी कार्रवाई तेज करती हुई नजर आ रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही इस पर एक्शन लिया जाएगा। तो दौसा से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर नाबालिग के साथ रेप की ये घटना सामने आई है और पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपी ने होटल में ही इस वारदात को अंजाम दिया है। तो गहलोत कैबिनेट में अहम फैसलों पर मुहर लगी है। आपको बता दें कि आचार संहिता से पहले कई बड़े फैसले किए गए हैं। 80 समाजों को भूमि आवंटित और साथ ही साथ मजदूरों की ठेका प्रथा पर कैबिनेट ने फैसला लिया है। अक्षय ऊर्जा नीति पर भी बड़ा फैसला लिया गया है। प्राकृत भाषा साहित्य अकादमी गठित की गई है। राजस्थान लॉजिस्टिक डिलीवरी गठित होगी। तो गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हुए एक्स पर लिखा है कि महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी स्वराज और स्वावलंबन और स्वच्छता के दर्शन से जिस तरह स्वाधीनता के दौरान देश का नेतृत्व कर जन जागरण किया, वह आज भी हम सभी के लिए प्रेरणीय है। पूरे विश्व को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाले महात्मा गांधी जी की जयंती पर उन्हें कोटिशः वंदन करता हूँ। तो देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया है, उनको याद किया है। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज जयंती है। पूरे देश भर से देखिए जो तस्वीरें आ रही है उसमें देखने को मिल रहा है कि श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। तो वहीं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए एक्स पर लिखा है कि सत्य अहिंसा और सर्व समाज के उत्कर्ष हेतु समर्पित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर उन्हें कोटिशः नमन करता हूं। पूज्य बापू हमारे पथ प्रदर्शक है। स्वदेशी स्वराज व स्वभाषा के लिए आपके आग्रह सदैव हमारी प्रेरणा है। आज हमारी सरकार जन जन के लिए आपके दिखाए समावेशी सर्वस्पर्शी व सर्वांगीण विकास के पथ को अपना ध्येय बनाकर राष्ट्र सेवा हेतु समर्पित है। तो महात्मा गांधी की जयंती पर आज सीएम अशोक गहलोत ने बापू को नमन किया है। सीएम गहलोत ने सचिवालय में बापू को पुष्पांजलि दी है। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि महात्मा गांधी के विचारों से विश्व में आज अहिंसा दिवस मनाया जा रहा है। महात्मा गांधी ने विश्व को शांति का संदेश दिया। तो देखिए सीएम अशोक गहलोत पहुंचे। गांधी जी को तो सदियों तक याद किया जाएगा, अनंत काल तक। वो ऐसा व्यक्तित्व था, ऐसा महापुरुष था जिसने देश को नहीं दुनिया को संदेश दे दिया हो और जिसके बर्थडे को जन्मदिवस को अगर पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मना रही हो तो आप सोच सकते हो कि हमें और हमारे मुल्क को गर्व होना चाहिए कि हमारे अपने गांधी दुनिया के हर कोने कोने के अंदर याद किए जाते हैं। ये हमारे देश का मान सम्मान दुनिया में बढ़ाता भी।